एक बार वीर और इमली लैब में दादाजी के पास एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहाँ मशीन पर पूरा डाटा डाउनलोडिंग पर लगा था, लेकिन थोड़ी देर में वीर के स्कूल से फोन आ जाता है और वीर इमली दादाजी को बताकर स्कूल के लिए जाने लगते हैं। जब वीर कॉलेज जाकर मास्टर से पूछता है तो बताते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई काम से तुमको नहीं बुलाया है, बल्कि आज तो स्कूल की छुट्टी है। वीर और इमली अब वहाँ से वापस अपने घर जा रहे थे। वीर इमली से कह रहा था, आखिर हमको कौन बेवकूफ़ बना रहा है। इतनी देर में मैड मैक्स वहाँ पर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, कैसे हो बच्चों, मैंने तुम लोगों को स्कूल के लिए बुलाया था, आखिर आ गए तुम लोग मेरे स्कूल, मैं आज तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैड मैक्स अचानक से वीर पर अटैक कर देता है और वीर उसके वार से संभल नहीं पाता है, वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। मैड मैक्स इमली को उठाकर अपनी लैब में ले जाता है। जब वीर को होश आता है तो वो इमली को चारों तरफ ढूंढने लगता है। अब वीर अपने रोबोट सूट में आ जाता है और इमली को ढूंढते ढूंढते मैड मैक्स के घर पहुंच जाता है और वहां देखता है कि मैड मैक्स ने इमली को जादुई गुब्बारे में कैद करके रखा हुआ है। अब वो मैड मैक्स पर वार करता है तो मैड मैक्स वीर के जादू से दूर गिरता है जाकर, लेकिन मैड मैक्स वापस से उड़ जाता है और वीर पर अटैक करता है। दोनों की आपस में लड़ाई होती है और मैड मैक्स हार जाता है। अब वीर जादुई गुब्बारे पर जादू करके बाहर से उसे फोड़ता है, लेकिन वो गुब्बारा नहीं फूटता है। अब वीर गुब्बारे के अंदर चला जाता है और इमली को लेकर गुब्बारे के अंदर से तेजी से टक्कर मारता है और गुब्बारा फट जाता है। इमली और वीर दोनों वापस निकल आते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।